इलेवेंथ क्लास में फिजिक्स में हम वेक्टर के बारे में पढ़ चुके थे। ये मैंने रिवीजन बताया था कि ए डॉट बी, ए क्रॉस बी कैसे फाइंड कर सकते थे, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टी थी। ठीक है, अब इसी टाइप से जो हमारे पास वेक्टर है तो वेक्टर को ऐड करने का हमारे पास एक मेथड होता है पैरेललोग्राम लॉ, ये पैरेललोग्राम रूल। ठीक है, तो उसका ये रूल है हमारे पास कि अगर हमारे पास दो वेक्टर गिविन है, किसी एंगल पर वर्क कर रहे हैं वे, ठीक है, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो हमारे पास उनके डायगोनल से शो होगा जो दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर जा रहा है। ठीक है, लेकिन दोनों साइड जो हैं वो पैरेललोग्राम की साइड जैसा बिहेव करें। मीन्स अगर हमारे पास इस टाइप से कोई एक वैक्टर है ए और कोई दूसरा वैक्टर हमारे पास बी, ठीक है, और इन दोनों वैक्टर के बीच में एंगल हमारे पास थीटा है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो हमारे पास इस डायगोनल से शो होगा आर से। ठीक है, ए प्लस बी, लेकिन ये जो दोनों साइड हैं ये किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड हो। मींस अगर मैं इसके पैरेलल लाइन ड्रा करूँ तो इस टाइप से आ जाएगी हमारे पास लाइन। ठीक है, और इस लाइन अगर पैरेलल लाइन ड्रा करें तो इस टाइप से आ जाएगी लाइन। ठीक, ये तो अगर हमारे पास दो वेक्टर ए और बी किसी पॉइंट क्यू पर वर्क कर रहे हैं थीटा एंगल पर, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो डायगोनल से शो होगा जो हमारे पास दोनों वेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर जा रहा है। ठीक है, ये हो रहा है हमारे पास, या हम ऐसा कह सकते हैं इसको कि अगर हमारे पास दो वेक्टर किसी पॉइंट पर वर्क कर रहे हैं और किसी पैरेललोग्राम की साइड से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तब उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो उस पैरेललोग्राम के डायगोनल से शो होगा। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। ठीक, तो अब इसका प्रूफ कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या काम कर रहे हैं, हमने अपने पास एक परपेंडिकुलर ड्रा किया हमने। ठीक है, आर एम परपेंडिकुलर है और रिजल्टेंट में डायरेक्शन कह लिए कि रिजल्टेंट डायरेक्शन फाई है। ठीक है, इस टाइप से ये एंगल थीटा है। तो यहाँ हम देखेंगे कि ट्राइंगल पी एम आर, अगर इस ट्रायंगल का यूज करें पी एम आर, तो इसमें क्या देख रहे हैं कि जो पी आर का स्क्वायर है यानी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, वो बेस का स्क्वायर मींस पी एम का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि आर एम का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, जो हमारे पास पी आर है वो क्या हाइपोटेनियस है, पी एम क्या है बेस है, और आर एम क्या है परपेंडिकुलर है। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी, उसी का हमने अप्लाई किया है। ठीक है, ट्राइंगल पी एम आर में। ठीक है, अब पी एम को क्या लिख सकते हैं हम, इस पी एम को इसे लिख सकते हैं हम पी क्यू प्लस क्यू एम। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम पी क्यू और प्लस क्यू एम इसका स्क्वायर। इसी टाइप से है हमारे पास आर एम का स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या काम करेंगे, ये ए की तरह है, ये बी की तरह है। ठीक है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो फॉर्मूला में यूज कर रहे हैं, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, और प्लस पी एम का स्क्वायर, ये चल जाएगा हमारे साइड में। ठीक है, स्क्वायर, तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि क्यू एम स्क्वायर जो है यानी कि ये वाला पार्ट, और पी एम स्क्वायर यानी कि ये वाला पार्ट, तो इन दोनों का मिल सकता क्या बन सकता है हमारा क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो बेस और परपेंडिकुलर इनसे क्या हो सकता है हाइपोटेनियस, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं छोटे ट्रायंगल में, तो इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर में लिख दिया इस टाइप से, प्लस पी क्यू का स्क्वायर हमारे पास चल गया साइड में, और प्लस टू पी क्यू और क्यू एम। ठीक है, ये है हमारे पास। अब पी क्यू, पी क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वैक्टर ए। ठीक है, वैक्टर ए का स्क्वायर, इसी टाइप से हमारे पास क्यू आर कितना है हमारे पास बी, यानी कि वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस टू पी क्यू, पी क्यू वैल्यू कितनी है हमारे पास, यानी कि वेक्टर ए। क्यू एम अभी हमारे पास नहीं है, ठीक है, क्यू एम, तो क्यू एम को निकाल लेते हैं। तो क्या काम कर रहे हैं हम,
हम ट्रायंगल ले रहे हैं क्यू एम, इसका यूज कर रहे हैं छोटे ट्रायंगल का, तो हमें बेस निकालना है। तो बेस किसी में था कोस में, ठीक है, बेस निकालना है और हमें हाइपोटेन्यूस गिवन है, तो बेस और हाइपोटेन्यूस किस में था कोस में, तो बेस क्यू एम और अपन हाइपोटेन्यूस यानी कि बी वेक्टर बी, तो क्यू एम इक्वल जाएगा हमारे पास बी कोस थीटा। तो क्या कर सकते हैं हम क्यू एम लिख सकते हैं बी कोस थीटा। तो नेक्स्ट लाइन में क्या रहेगा हमारे पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर टू ए और क्यू एम की जगह कितना रहेगा हमारे पास बी कॉस थीटा, ठीक है, और पी आर की जगह क्या रहेगा हमारे पास वेक्टर आर यानी कि रिजल्टेंट का स्क्वायर, रिजल्टेंट का स्क्वायर इस टाइप से, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो हम इसको लिख सकते हैं इस टाइप से आर इक्वल अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी और कॉस थीटा, ये आ जाएगा हमारे पास पैरेललोग्राम रूल का रिजल्टेंट, ठीक है, जो हमारे पास डायगोनल था यानी कि रिजल्टेंट आर, तो उससे क्या क्या क्वांटिटी मिली हमें अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कोस थीटा, ठीक है, यानी कि थीटा भी आ रहा है इसमें, इसका मीन से जो एंगल बना हुआ था दोनों वेक्टर के बीच में वो भी डिपेंडेंट है, ठीक है, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो वैक्टर किसी पॉइंट पर अप्लाई हो रहे हैं थीटा एंगल पर, ठीक है, और वो किसी पैरेललोग्राम की जो साइड होती हैं उनसे भी रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो उस पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है उससे शो होगा जो दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से हो जाएगा, ठीक है, वेक्टर तो ये भी बी होगा पैरेलल इसके ये भी, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास ऐसे वेक्टर ये भी ए होगा, ठीक, पैरेलल इसके, तो ये आपको याद कर लेना है, ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में जो अगर ए और बी वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की साइड से शो हो रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट उनके डायगोनल से शो होगा आर से, और आर कितना होगा ये रहेगा हमारे पास अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा। ये मैक्सिमम कब होगा अगर हम थीटा की जगह रख देंगे हमारे पास जीरो डिग्री, तो ये मैक्सिमम वैल्यू रहेगी इसकी निकल गए, और मिनिमम कब होगा अगर हम थीटा की जगह रख देंगे हमारे पास 90, तो ये मिनिमम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तब उनका रिजल्टेंट क्या आएगा मिनिमम आएगा, ठीक है, और मैक्सिमम कब आएगा हमारे पास निकाल सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से। तो थीटा की जगह मतलब एंगल चेंज हो सकता है कोई भी, ठीक है, 180 रख सकते हैं, 90 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, वो आप रख सकते हैं कंडीशन के हिसाब से। तो आज आप पैरेललोग्राम रूल को यानी कि इंपॉर्टेंट रूल है उसका प्रूफ कर लेंगे, एक बार बुक के हेल्प लेंगे, और जो इसमें हुआ है पार्ट वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं हम, डायरेक्शन अगर हमें निकालनी है तो डायरेक्शन रिजल्टेंट की होगी फाई, ये है ना जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन है, डायरेक्शन अगर हमें निकालनी है यानी कि एंगल निकालना अगर हम आर का, तो एंगल हमें तो टेन से निकालते हैं, ठीक है, टेन फाइव इक्वल क्या होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है यानी कि आर एम और अपॉन बेस, बेस कितना हमारे पास पी एम टोटल ट्राइंगल का, तो आर एम यानी कि परपेंडिकुलर हम निकाल सकते हैं ट्राइंगल लेके इसी टाइप से। इस ट्राइंगल में अगर हम देखा आर एम तो कितना रहेगा साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर हमें निकालना है यानी आर एम और हाइपोटेन्यूस कितना है हमारे पास बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो रहेगा हमारे पास आर एम इक्वल बी साइन थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा क्यों लिया हमने यहाँ पे, क्योंकि परपेंडिकुलर हमें निकालना था, हाइपोटेनियस हमारे पास गिवन है, तो परपेंडिकुलर कौन हाइपोटेनियस क्या मानता साइन मानता, ठीक है, तो आर एम के लिए कितना साइन थीटा और भी क्या है बी यानी वैक्टर, और पी एम बी लिख सकते हैं पी एम बी लेके पी क्यू प्लस क्यू एम, तो पी क्यू कितना हमारे पास ए है यानी ए प्लस, और क्यू एम कितना निकाला था हमने बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा ये भी आपको याद रखना है, टेन फाई इक्वल बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, ये भी आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्शन निकालने का रिजल्टेंट की तो ये है, और मैग्नीट्यूड निकालने का रिजल्टेंट का तो ये है, ठीक है, आर वाला फॉर्मूला आपको याद कर लेना है न्यूमेरिकल होंगे इससे, और टेन फाइव वाला फॉर्मूला आपको याद कर लेना है इसे भी न्यूमेरिकल होंगे, और जो इसका स्टेटमेंट है वो आप पढ़ लेंगे कि पैरेललोग्राम की साइड से कोई दो वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो उसके डायगोनल से शो होगा जो दोनों पॉइंट के इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर जा रहा है, ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।